यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज आप सोच रहे हो कि आज इरफान भाई कौन से व्लॉग करने वाले हैं, आज आपको कौन सी गाड़ी दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबा लग्जरी कार का दोबारा से और स्टॉक। आपने इस डीलर को बहुत ही प्यार दिया और आपने मुझसे बहुत डिमांड करी कि यार बाबा लग्जरी कार के हमें और गाड़ियाँ देखनी है। तो मैंने कहा चलो आपको और गाड़ी दिखाते हैं, क्योंकि बाबा लग्जरी कार के पास इतना स्टॉक है कि मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, लेकिन आप देखते देखते नहीं थकेंगे। तो इसीलिए आज दोबारा से हम बाबा लग्जरी कार का तीसरा पार्ट ये कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज नए स्टॉक में कुछ गाड़ियाँ आई हैं, मर्सिडीज़ भी गाड़ी आई है, तो सारी आपको डिटेल दूंगा। और सबसे अभी विजय भाई से सारी डिटेल लेंगे सारी गाड़ियों की जो जो आज स्टॉक में नहीं ऐड हुई हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। और दोस्तों, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गाड़ियों के रिगार्डिंग कि भाई ये गाड़ी दिखाओ वो गाड़ी दिखाओ, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है। ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप फटाफट जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर जाके आप अपनी गाड़ी का नाम मैसेज करिए, मुझे इनबॉक्स करिए, और जिस गाड़ी की ज़्यादा डिमांड आएगी वो गाड़ी हम जल्द से जल्द अपनी वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज़ मर्सिडीज़, और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा कौन सा मॉडल है और कितनी चली है गाड़ी और क्या आस्किंग प्राइस है। तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की, तो भैया को बुलाता हूँ, विजय भाई को। विजय भाई आ जाओ। तो विजय भाई, वेलकम टू माय कंट्री माय राइड वंस अगेन, और सारे व्यूअर्स को हेलो बोल दो एक बार। हेलो। तो विजय भाई, आज हम बाबा लग्जरी कार का थर्ड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज जिस गाड़ी के पास हम आए हैं, ये ब्लैक वाली गाड़ी मर्सिडीज, इसके बारे में हमारे भाइयों को थोड़ी सी डिटेल दो। वैसे देखो, मर्सिडीज है, बिल्कुल GL500 वेरिएंट है इस बार, ठीक है, और ये माना कि GL सीरीज बिल्कुल हटके होती है, ठीक है, टॉप मोस्ट वेरिएंट में आती है ये, ठीक है। और है ये पेट्रोल वर्जन में, पेट्रोल है ये, ठीक है, 2009 का मॉडल है, ठीक है, हाँ जी। और ब्लैक कलर SUV आप जानती हैं, सबसे एक अलग ही लुक रहता है, बिल्कुल। वो चीज़ है। आप इवन पूरी गाड़ी को अगर आप देखने की कोशिश करें गाड़ी को, गाड़ी कितनी ही ज्यादा वेल मेंटेन है। ये 2009 मॉडल, राइट, ब्लैक कलर में। लोग चाहते हैं कि नहीं यार हमारे पास मर्सिडीज SUV गाड़ी हो, तो आप देख सकते हैं बाबा लग्जरी कार पे कितनी ही बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है। तो जो मर्सिडीज गाड़ी का शौक पूरा करना चाहते हैं वो बाबा लग्जरी कार पे विजिट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो विजय भाई, क्या प्राइस रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि बाबा लग्जरी कार के जो प्राइस है ना, वो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आते हैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, इसका प्राइस क्या रहने वाला है। इसका प्राइस 2009 मॉडल के हिसाब से, हमने जैसा कि आप जानते हो सबसे लोएस्ट रहता है, बिल्कुल। और इस बार में मैं उसी लोएस्ट प्राइस में इसको दे रहा हूँ, जस्ट 1350 यानी अगर हम बात करें हिंदी में, आपने बोला 13,50,000 रुपए की आप मर्सिडीज जैसी गाड़ी यहाँ से ले सकते हैं, और ये पेट्रोल वर्जन है। और गाड़ी की कंडीशन देखिए, कितनी ही बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी इस टाइम खड़ी हुई है, अंदर से आप पूरा इंटीरियर चेक कर सकते हैं। तो अब ये थी फर्स्ट गाड़ी। अब आपको पता ही है बाबा लग्जरी कार होलसेलर है और गाड़ियों का स्टॉक रेडी रहता है। तो विजय भाई, अब मंगवाए दूसरी गाड़ी, बिल्कुल। तो चलिए अब मंगवाते हैं दूसरी गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी हुई है। तो भाई, और देख सकते हो अब जो सेकंड गाड़ी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो दोबारा से मर्सिडीज है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मर्सिडीज है, अब इसकी पूरी डिटेल जानेंगे विजय भाई के साथ। तो अभी आपको पूरी डिटेल देता हूँ और आप गाड़ी देखें कितनी ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। तो जो भी मर्सिडीज गाड़ी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहें, और अब इसकी डिटेल बताता हूँ आपको, ठीक है, तो वेट करिए। अब हम सबसे पहले हमने मर्सिडीज देखी थी, अब दोबारा विजय भाई से हमने मर्सिडीज मंगवाई है बाबा लग्जरी कार पे। तो विजय भाई के पास चलते हैं और उसकी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। तो विजय भाई, आपने दोबारा से मर्सिडीज मंगवाई है और ये स्टॉक में नहीं ऐड हुई होगी, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं इस मर्सिडीज की, ये मर्सिडीज है कौन सी वैसे? ये मर्सिडीज C200 है, और इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बताइए। पहली बात है न्यू शेप है, ठीक है, व्हाइट कलर है, ठीक है, पैनोरामिक सनरूफ है, ओके, ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट है ये, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा C200 मोस्ट डिमांडिंग है। ये जो विजय भाई बता रहे हैं कि ये गाड़ी मोस्ट डिमांडिंग है, कहने का मतलब ये कि आते बिक जाती है? बिल्कुल, हमारे पास रहती नहीं है, बहुत मुश्किल से हम भी एक साफ सुथरी गाड़ी ढूंढ के लाते हैं जी, जो हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम बात करें विजय भाई इसकी ड्रिवन की, तो ये गाड़ी कितनी चली होगी? ये ओनली 65,000 ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके लिए बाबा लग्जरी कार बहुत फेमस है, इसका प्राइस क्या रहने वाला? देखो, 2014 मॉडल है ये, हाँ जी, ठीक है, उसी हिसाब से 14.50, 14.5 लाख। और ये गाड़ी जो है, ये आप कितना बताया था आपने, कितनी चली गाड़ी है? 65,000। और ये पेट्रोल पे गाड़ी है? पेट्रोल पे, और पेट्रोल पे है गाड़ी। और आप एक बार कंडीशन देखिए, और आप अगर अंदर ब्रांड न्यू टायर से आप अलॉय देखिए, कितने ही प्यारे इसके अलॉय लग रहे हैं गाड़ी के,
लाइटें मैंने आपके लिए जलवाई रखी हैं, तो आपकी आपको भी आइडिया हो जाए। पीछे सनरूफ भी खुला हुआ है आप देखेंगे, और अंदर से कितनी ही प्रीमियम ये गाड़ी है, जैसा कि आप देखते हैं अंदर से इंटीरियर कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम इसका इंटीरियर। तो ये थी जो सेकंड गाड़ी थी जो मैं आपके लिए मंगवाई है, तो इसकी आपको डिटेल दी थी। अब मंगवाते हैं तीसरी गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई है, ठीक है, तो वेट करिए। अब उन लोगों की फरमाइश करते हैं पूरी, जो कहते हैं कि यार अपने को इरफान भाई चार छल्ले वाली गाड़ी बताओ कहाँ मिलती है, तो भाई मिलती है बाबा लग्जरी कार पे। तो अब आ गई हमारे पास विजय भाई, आपने मंगवाई है ऑडी, तो इसकी डिटेल थोड़ी शुरू करेंगे। ये पहले ये बताएं कि ऑडी है कौन सी। ये ऑडी A4 है। A4 है ये। हाँ। और ये अपनी डीजल वेरिएंट है। ठीक है। ठीक है। 2010 मैन्युफैक्चर्ड है। 10 है, ठीक है। और अगर बात करें विजय भाई ये गाड़ी ड्रिवन की, तो कितनी चली हुई गाड़ी है? ये भी बहुत कम चली है। कितनी? ये अप्रोक्सीमेटली 72,000 चली है। 72,000 गाड़ी ऑन रिकॉर्ड चली है। आप देख सकते हैं कंडीशन कितनी ही प्रीमियम गाड़ी का लुक है। जो कुछ लोग चाहते हैं ऑडी में कुछ डिफरेंट कलर भी उनके पास हो, ये थोड़ा यूनिक सा कलर लग रहा है। तो अगर हम बात करें इसके कलर की बात, तो ये कौन सा कलर होगा वैसे? ये ग्रे कलर में आता है। ग्रे कलर में आता है। और अब बात करते हैं जिसका सारे भाई लोग वेट कर रहे हैं कि क्या रहने वाला है प्राइस उसका। चलो गैस करो इस बार। नहीं नहीं यार, इसको ये जो गैस की जो गेम है ना, ये बड़ी बड़ी दुविधा वाली बात है। आपने मॉडल क्या बताया था? 2010 मॉडल। डीजल गाड़ी है भाई, डीजल गाड़ी के हिसाब से 10 मॉडल कितना प्राइस होना चाहिए आप भी गैस करो, मैं भी गैस करता हूँ। तो क्या कहता है विजय भाई? चलो डिस्क्लोज कर ही दे दो यार, मेरे को नहीं, मेरे मुंह से पता नहीं पिछली बार कुछ निकल जाते हैं, मैं तो 50-60 लाख रुपए बोल देता हूँ ऐसे ही। बट कितने की है गाड़ी? 8.5 लाख। 8.5 लाख। देखो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका बजट 10 लाख रुपए रहता है विजय भाई, और जो चाहते हैं कि यार अपने पास ऑडी जैसी गाड़ी हो, BMW जैसी गाड़ी हो, तो मुझे ऐसा लगता है बाबा लग्जरी कार वाले उनका ड्रीम पूरा करवा देंगे। बिल्कुल। और एक बात और बताऊं। हाँ जी। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था मेरे पास व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है। आपको अगर व्हाइट कलर चाहिए A4 का, तो बाबा लग्जरी कार पे अवेलेबल है। आज आप देख सकते हैं ये जो ग्रे कलर है, कितनी ही बढ़िया गाड़ी लग रही है। अंदर से इंटीरियर आप चेक करिए गाड़ी का, गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है, अलॉय देखिए, अलॉय कितने ही बढ़िया इसके अलॉय लग रहे हैं गाड़ी के, और एकदम प्रीमियम गाड़ी है। तो अब इनके पास और भी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता है, अब दिन से रात होने वाली है शूट करते करते, तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो अब और गाड़ी मंगवाता हूँ, तो उनकी डिटेल जानते हैं। तो विजय भाई मंगवाएं और गाड़ियाँ? तो चलिए और गाड़ी मंगवाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा लग्जरी कार पे हम लोग आपके लिए गाड़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते थे यार कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट में पढ़ता ही रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार सुपर गाड़ी बताओ, सुपर गाड़ी बताओ वो कहाँ मिल रही है। तो अभी हमने 3 गाड़ियाँ लाइन से लगवा रखी हैं आपके लिए। सबसे पहले आप देखते हैं सुपर लगी हुई है, और अगर आप पीछे आएंगे मेरे साथ तो आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी दिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर के चाहने वाले बहुत हैं। लोग चाहते हैं कि यार अपने पास ना फॉर्च्यूनर जैसी भी गाड़ी हो, तो देखो फॉर्च्यूनर भी यहाँ पे खड़ी हुई है, और उसी के साथ एक और गाड़ी स्कॉडा की वो भी यहाँ पे खड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो उधर ऑक्टेविया गाड़ी खड़ी हुई है वाइट कलर में, और कितनी ही प्रीमियम गाड़ी लग रही है। तो सबसे पहले अब मैं शुरुआत करता हूँ गाड़ियों की डिटेल से। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ सुपर्ब के पास, क्योंकि सुपर्ब के चाहने वाले बहुत है। लोग चाहते हैं कि यार अपने को सुपर्ब भी चाहिए, तो बाबा लग्जरी कार पे सुपर्ब भी अवेलेबल है। तो विजय भाई के पास चलते हैं और सुपर्ब की डिटेल लेते हैं। सबसे पहले आप गाड़ी देखिए कितनी ही वेल मेंटेन गाड़ी है, और कितनी ही बढ़िया ये गाड़ी लग रही है इस टाइम। तो विजय भाई इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बताओ कि ये वाली जो सुपर्ब है, ये वाली सुपर्ब है कौन सी? सुपर्ब पेट्रोल वेरिएंट है। ठीक है। 2010 का। ओके। ठीक है। एंड ब्लैक कलर है। ठीक है। मतलब सुपर्ब में ब्लैक कलर आप देखेंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे। जी जी। बेस्ट लगता है। बेस्ट लगता है, सही है, सही है। और टॉप मोस्ट वेरिएंट है, सनरूफ है। सनरूफ है गाड़ी के अंदर। इंटीरियर है। ठीक है। और बिल्कुल ही साइलेंट गाड़ी है। ठीक है। ठीक है। ये गाड़ी डीजल में है? पेट्रोल। अच्छा, ये गाड़ी पेट्रोल में है, आप मेंशन करिए गाड़ी पेट्रोल में है। और अगर हम बात करें इसकी ड्रिवन की, तो कितनी चली होगी गाड़ी? ये चली है 80,000। 80,000 ऑन रिकॉर्ड चली है। बाबा लग्जरी कार पे जो भी हम गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, वो आपको सच्ची सच्ची इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि भाई इतनी गाड़ी चली है, और ये आस्किंग प्राइस है, और ये डिमांड है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। मॉडल क्या था ये? 10 मॉडल है। तो अब इसके प्राइस की बात करते हैं, तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है? जैसा कि जानते हैं इसका भी कम मैं देना चाहता हूँ। कितने में? जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सुपर वाला जो देख रहा है, जो सुपर को प्यार करते हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनके लिए कितने में देनी है गाड़ी? 3,75,000। 3,75,000? 3,75,000। बाबा लग्जरी कार पे अवेलेबल है, और वेल मेंटेन गाड़ी है, और सुपर का चाहने वाले अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और आप इंडिया के किसी भी स्टेट में बैठे हो, आपको बस यहाँ पे विजिट करना है और अपनी ड्रीम को यहाँ पे पूरा करना है। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि फॉर्च्यूनर के लवर्स, तो भाई विजय भाई मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी कि फॉर्च्यूनर के चाहने वाले
पूरे इंडिया में इतने बैठे हैं कि भाई फॉर्च्यूनर हो हमारे पास, हमारे पास फॉर्च्यूनर हो। मैं इसी वजह से हाँ जी फॉर्च्यूनर एक और लाया, देखो सबकी मतलब जरूरतें पूरी हो। विजय भाई सबका ख्याल रखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम विजय भाई के साथ हमने फॉर्च्यूनर कवर करी थी, तो विजय भाई क्या ये भी वही वैसे ही फॉर्च्यूनर है उसी मॉडल में, या ये थोड़ी सी अलग है उससे? बिल्कुल, इसमें अंतर ये है जी, इसके ब्लैक अलॉय, इसके अगर आप, मैं अपने भाई से बोलूं तो इसके अलॉय पे अगर आप भाई मेरा जूम करें तो आपको पता लगेगा, जो लोग मेरे भाई कहते हैं ना कि यार फॉर्च्यूनर व्हाइट के साथ ब्लैक अलॉय चाहिए, तो वो ये इस गाड़ी में अवेलेबल है। और अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के ऊपर ये आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी से आता है, कंपनी से आता है। कितना बढ़िया इसका हुड लग रहा है और कितनी ही रॉयल गाड़ी लग रही है। इसकी थोड़ी सी बात करते हैं मॉडल की सबसे पहले, क्योंकि लोग मॉडल जानना चाहते हैं कि गाड़ी का मॉडल क्या है। विजय भाई क्या मॉडल है ये? देखो जैसे कि आजकल ऑटोमेटिक का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? पिछला वीडियो में आपने देखा था, हाँ जी, 12 मॉडल थी वो भी ऑटोमेटिक थी, ठीक है? इस बार मैं लाया हूँ 14। कुछ लोग चाहते हैं ऊंचा मॉडल, ऊंचे मॉडल वालों के लिए 14 मॉडल आ गया है, वो भी ऑटोमेटिक, वो भी ऑटोमेटिक, ठीक है? और व्हाइट कलर, ठीक है, एज रॉयल। अब बात करते हैं कितनी चली होगी गाड़ी ये चली है 55,000 ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड 55,000 चली है ऑन रिकॉर्ड। अब बात करते हैं जिसके लिए भाई बाबा लग्जरी कार बहुत फेमस है, तो 14 के हिसाब से इसका प्राइस चेक करते हैं कि क्या रहने वाला है। तो विजय भाई क्या प्राइस है इसका बता दो, जल्दी बता दो, उनसे सबर नहीं हो रहा है। 18 लाख, yes. 18 लाख रुपए की आपको फॉर्च्यूनर मिल जाती है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और अगर इसके ऑनर की बात करें हम, तो ये गाड़ी सिंगल ऑनर है, बिल्कुल सिंगल ओनर है। गाड़ी भी सिंगल ऑनर है, तो फॉर्च्यूनर के लवर्स अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और अंदर से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो कितनी इस टाइम बढ़िया ये गाड़ी लग रही है, पूरा बढ़िया सा इंटीरियर है, बिल्कुल मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। मतलब अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो कोई खर्चा कराने की जरूरत नहीं है, क्यों विजय भाई? तो अब चलते हैं तीसरी गाड़ी के ऊपर, पीछे बाबा लग्जरी कार पे गाड़ियां हैं। तो आज हमने कुछ लिमिटेड गाड़ियां आपके लिए मंगवाई हैं जो नई स्टॉक में ऐड हुई हैं। कुछ लोग स्कोडा की गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोग स्कोडा से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कहते हैं अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो स्कोडा की चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कोडा एक बहुत ही लग्जरी ब्रांड में आता है इंडिया में। तो विजय भाई ये कौन सी स्कोडा है, थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँगा, हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है? स्कोडा ऑक्टेविया, हाँ जी, आपने भी सुना होगा, सबसे ज्यादा रीसेलिंग थी उसकी, इवन न्यू गाड़ी की भी एंड रीसेल की, बिल्कुल जब पहले आई, बिल्कुल बिल्कुल। और सेम इसी टाइम भी सेम चीज हुई है, जब से ये आई है ऑक्टेविया इतनी डिमांडिंग चल रही है ये जी। और न्यू शेप के साथ है इसका। अच्छा ये न्यू शेप है, न्यू शेप है। और इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है। और अगर हम बात करें विजय भाई इसके मॉडल की, तो ये क्या मॉडल है गाड़ी? 2014 मॉडल है। और कितनी चली हुई गाड़ी? ये चली है 65,000। और डीजल पे पेट्रोल पे है गाड़ी? डीजल, ये गाड़ी डीजल पे है। लेकिन आप अंदर से गाड़ी देखिए कितनी ही बढ़िया इस टाइम ये गाड़ी लग रही है, अंदर से पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर। और भैया देखो इंडिया में ना, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में चले जाओ अगर गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो सबसे पहली प्रेफरेंस पता है क्या रहती है विजय भाई? कि वाइट कलर लेना है यार गाड़ी का, मानते हो? बिल्कुल। तो भाई वाइट कलर है गाड़ी का, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी हुई है। अगर आप मेरा भाई देखे, अगर चारों तरफ से अगर आपको गाड़ी दिखाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कितनी ही वेल मेंटेन ये गाड़ी इस टाइम लग रही है। तो जो भी स्कोडा का शौक पूरा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बट अभी इसका प्राइस मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बाबा लग्जरी कार बहुत फेमस है भाई प्राइस के लिए, प्राइस इतनी आसानी से नहीं बताता मैं, और विजय भाई भी नहीं बताते इतनी आसानी से। तो विजय भाई इसके मॉडल के हिसाब से इसका प्राइस क्या रखा है आपने? जैसा कि आप जानते हैं, हाँ जी, सबसे बेस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल प्राइस रखते हैं, ठीक है? ठीक है, और उसी तरह से इस बार भी मैंने इसका प्राइस रखा है 9.75 ओनली, 9,75,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। और आप कंडीशन देखिए यार गाड़ी की, कितनी बढ़िया कंडीशन है, मतलब बिल्कुल ही रॉयल गाड़ी लग रही है। तो जो स्कोडा में आना चाहते हैं वो अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए बाबा लग्जरी कार पे विजिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है? तो ये गाड़ी देख सकते हैं आप। ओके दोस्तों, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बाबा लग्जरी कार की जो भी नया स्टॉक ऐड हुआ था वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। और उसके अलावा भी जैसे जैसे यहाँ पे गाड़ी आती रहेंगी वैसे वैसे माइकंट्री माइराइड के चैनल पे आपको इनका सारा स्टॉक मैं अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि आप जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम फॉर्च्यूनर की भी हमने आपको डिटेल बता दी, और कुछ गाड़ियाँ और थी जो इनके पास ऐड हो रहती हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है वैसे भी होल सेलर हैं और इनके पास गाड़ियाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो जो भी बाबा लग्जरी कार पर आना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा, गूगल लोकेशन भी मैं दे दूंगा, और इनफैक्ट फ़ोन नंबर भी आपको अवेलेबल है, तो आप अपनी गाड़ी की इंक्वायरी पूछ सकते हैं फ़ोन करके। और काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे कि यार हम अदर स्टेट में हैं तो हम बाबा लग्जरी कार पे किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं विजय भाई को यहाँ पे बुलाता हूँ, और विजय भाई दो तीन चीज़ें हैं जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे।
ठीक है। तो विजय भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बाबा लग्जरी कार पे हमने आज नया स्टॉक दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ ये बताओ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर के ना क्वेश्चन मेरे को भी आया था, जो आउट ऑफ दिल्ली जो बैठे हुए हैं उनके लिए एक बार NOC का प्रोसेस बता दो और वो गाड़ी किस तरीके से बाय कर सकते हैं वो ही बता दो। क्योंकि फाइनेंस का तो हमने पिछली बार भी क्लियर किया था कि पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, बट अगर वो खुद लेके आते हैं तो अवेलेबल है। बट अगर अदर स्टेट वाला बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है तो NOC का और जो भी प्रोसीजर है वो एक बार क्लियर कर दीजिए आप। देखो, हम डिलीवरी भी ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। अगर कुछ हमारे ट्रस्ट पे, हमारी गाड़ी के ट्रस्ट पे, हाँ जी, अगर कहते हैं कि हम आ नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, वो हमारे ट्रस्ट पे परचेस कर सकते हैं, हम उनके शहर में उनकी जगह डिलीवर करा सकते हैं गाड़ी। तो देखा विजय भाई ने आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज बताई है कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बैठे हैं तो अगर, और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा वैसे, अगर बात करें, अगर बंदा अगर अदर स्टेट में बैठा है और उसे कोई गाड़ी पसंद आती है, वो गाड़ी डिलीवर करवाना चाह रहा है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या रहेगा उसका? देखो, मिल तो सकते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मोड ऑफ पेमेंट बाय नेट और हाँ, तो, रहेगा। तो जैसे ऑनलाइन जो पेमेंट्स होते हैं, बिल्कुल वो होगा, ऑनलाइन पेमेंट से ही हो पाएगा फिर, ठीक है, ठीक है। वो चीज हम, ये है बिल्कुल 00 डिटेल देके ही हम डिलीवर कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है भाई लोग कि अगर आप किसी भी स्टेट में बैठे हो इंडिया के और आप चाहते हो कि बाबा लग्जरी कार आपको गाड़ी अवेलेबल करा दे, तो यस दोस्तों, आपकी गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी स्टेट में हो, आपको बस कांटेक्ट करना है। और अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वैसे यही रहता है विजय भाई कि जो दिल्ली NCR वाले बंदे हैं वो तो विजिट करें, और अदर स्टेट वाले भी अगर आने की कोशिश करेंगे तो क्या कहते हो? मैं आपसे ये कहूंगा, अगर वो यहाँ आएंगे ना, हाँ, उनको और वैरायटी मिलेगी जो कि वो लाइव टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, और हम डील कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी लेने कोई सी आता है और लेके कोई सी जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर जब आप इनके पास विजिट करेंगे तो आप सोच के, मैंने तो ये देखा कि यहाँ पे कभी कभार ऐसी भी डील होती है कि लोग BMW का प्लान बना के आते हैं और विजय भाई वो मर्सिडीज ले आते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आई होप कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाया हूँ आप तक, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो पूछना इन फ्यूचर और जो भी आपकी क्वारी है कमेंट करके आप मुझे बता देना, और आपका भाई उसको भी दूर कर देगा। तो माय कंट्री माय राइड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कन्वर्टेबल गाड़ियों की वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए वेट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंट्री माय राइड, सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम बाबा लग्जरी कार।